हाय, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि आप क्रोशे के सिंपल फ्लावर्स कैसे बना सकते हो। सो दिस विल बी अ सिंपल फ्लावर जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि आप सेंटर की रिंग कैसे बना सकते हो, डिज़ाइन, एंड देन ये सिंपल पेटल्स आप फ्लावर के आसपास कैसे बना सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं यूज़ करूँगी 4 ply थिकनेस का वूल यार्न, जिसके साथ मैं 3 mm का क्रोशे हुक यूज़ कर रही हूँ। सो सबसे पहले वी विल मेक अ स्लिप नॉट। स्लिप नॉट बनाने के लिए यू विल मेक एन एक्स ऑन द इंडेक्स फिंगर, लूप में से पास करके वी विल मेक अ नॉट लाइक दिस। ये जो लूप है इसका, नॉट का, इस लूप में वी विल एंगेज आर क्रोशे हुक एंड टाइटन इट। अब हम बनाएंगे फ्लावर का सेंट्रल पोर्शन, जिसके लिए हम लोग 5 chain stitches बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 and 5। सो यहाँ पे हमारे पास 5 chain stitches हैं जिसको हमें एक सर्कल में बनाना है। उसके लिए हम क्रोशे हुक को फर्स्ट चेन स्पेस में एंटर कर लेंगे लाइक दिस। अब हमें इन दोनों एंड्स को जॉइन करना है, जिसको हम फर्स्ट सिंगल क्रोशे से करेंगे। पास इट ओवर द वूल एंड दोनों लूप्स में से निकाल लो लाइक दिस। सो अब हमारे पास ये सेंट्रल रिंग आ गया है ऑफ द फ्लावर। अब इसके अराउंड हम लोग डबल क्रोशे स्टिचेस देंगे, 9 double crochet stitch, एंड हर एक क्रोशे डबल क्रोशे के बीच में वी विल गिव अ चेन स्टिच। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन वी विल एंटर इट इन द सेंट्रल रिंग ऑफ द फ्लावर। इफ यू वॉन्ट अ डिटेल्ड वीडियो ऑफ द डबल क्रोशे स्टिच, आई विल लिंक इट विद द सजेस्टेड वीडियोज। 1 and 2. So here we have the first double crochet. So before moving to the next, we will make 1 chain stitch, and then we will make the second double crochet. So around the ring of the flower, you have to make 9 crochet stitches. एंड हर एक के बीच में एक चेन स्टिच आपको देना है। सो दिस इज द थर्ड क्रोशे। देन अ चेन स्टिच। Another chain stitch, and then the fifth double crochet. So here we have 9 double crochet stitches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. ओके। सो एंड ये जो बीच में जो सबके ये स्पेसेस आई हैं, दिस स्पेसेस बिकॉज ऑफ गिविंग दैट चेन स्टिच इन बिटवीन द डबल क्रोशे। सो नाउ वी हैव टू क्लोज बोथ दीज एंड्स एक परफेक्ट सर्कल बनाने के लिए। सो जिसको हम लोग करेंगे बाय यूजिंग अ स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच इज टू क्लोज रिंग्स व्हेन यू आर डूइंग क्रोशे वर्क, एंड इट इज़ यूज टू गिव इनविजिबल स्टिचेस। सो हम वो कैसे देंगे? वी विल इंसर्ट द क्रोशे हुक इन द फर्स्ट स्टिच विच वी हैड मेड, डबल क्रोशे स्टिच। इसके अंदर हम इसको ऐसे डाल देंगे, वूल में उसको इंगेज करके वी विल पुल इट थ्रू द फर्स्ट स्टिच विच वी हैड मेड, एंड देन वी विल पुल इट थ्रू द लास्ट स्टिच विच वी हैड मेड लाइक दिस, एंड इसको फिर आपने टाइट कर। Okay, so like this our circle is closed. Now we will start making the petals of the flower. So petals के लिए जितने भी हमने यहाँ पे ये spaces बनी हैं
उसके अंदर हमने ईच स्पेस में 3 डबल क्रोशे देने हैं, राइट? सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्पेस विच इज ओवर हियर, विच इज ओवर हियर, जो हमने स्पेस क्लोज करी है, हम उसे सबसे पहले शुरू करेंगे. सो सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए वी विल गिव 3 चेन स्टिचेस, 1, 2 and 3. Okay, 3 chain stitches dekar we will make the first double crochet. 3 loops aa gaye chain mein. 2 1 the second double crochet and the third. नाउ ये फर्स्ट पेटल शेप है जो हमारे पास आई है. इस पेटल को क्लोज करने के लिए, टू गिव इट अ फाइनल शेप, हम लोग इसमें स्लिप स्टिच देंगे आफ्टर गिविंग 3 डबल क्रोशे. सो सेम उस स्पेस में एंटर करके पुल द वूल थ्रू इस स्पेस में से एंड देन पुल द वूल थ्रू सेकेंड लूप में से, लाइक दिस. So we have this, our first petal here. Now moving on to the next petal. Next petal se pehle we will give a single chain stitch. Fir uske baad we will give a double crochet next space mein enter karke, like this. 1, this is the first double crochet for this space, 2 and 3, then the second double crochet, 2 double crochet. Then to close this petal, final shape dene ke liye we will do a slip stitch. Isme se pass karke second loop mein se bhi we pass it. And then isko thoda tight kar. So this is our second petal. Now third petal mein move on karne se pehle we will again give a chain stitch and then next we will enter the next chain space. So like this you will make 9 petals. And then slip knot. Slip knot ko baad tight karke fir ek chain stitch dena hai. And then next space mein 3 double crochet banane hai.
So here I've come to the last double crochet stitch of the last petal. अब ये थ्री डबल क्रोशे देने के बाद आई विल गिव अ स्लिप स्टिच ओवर हियर. एक में से पुल करके देन सेकेंड रो में से देन उसको फिर मैं टाइट कर लूँगी. सो वंस यू हैव मेड दिस आप एक सीजर से इसका एंड कट कर लोगे. You will not take out the loop first. Cut karne ke baad, you will just pull it through and then tighten it. That is all. So, this is the flower that we have got. Aap isko kisi bhi crochet work ke upar bhi use kar sakte ho. For example, idhar yahan pe headband ke upar laga liya hai. You can make a bigger flower and a smaller flower and then put them together and decorate it with the pearl. Aap isko kaise bhi use kar sakte ho. So, it looks really beautiful. I really hope you all like this video. If you did, don't forget to share, like and subscribe. Thank you so much for watching.